सो दोस्तों, आप में से बहुत ज़्यादा बंदे पूछ रहे थे कि ये लैपटॉप जो Asus की तरफ से हमें आया है, इंटेल की तरफ से, ये हमें कैसे फ्री मिला। मतलब ऑलमोस्ट 3 लाख का ये लैपटॉप है, काफ़ी अच्छी कॉन्फ़िगरेशन है, जैसे एक फ्लैगशिप फ़ोन होता है ना, वैसे ही ये फ्लैगशिप लैपटॉप है, तो ये हमें फ्री में कैसे मिला। मतलब ये पूरा का पूरा मेरा है पूरा का पूरा मेरा है, व्हाट इज़ दिस। ओके, मतलब ये लैपटॉप अब मेरा हो चुका है, तो ये पूरा प्रोसेस कैसे हुआ, एंड यू नो आपको इस वीडियो को देखने के बाद पता लगेगा कि आपके भाई में जिगरा है, क्योंकि एक टाइम के लिए तो मैंने इंटेल को मना कर दिया था कि ये लैपटॉप मुझे नहीं चाहिए। उसके पीछे क्या रीजंस थे, ऑब्वियसली मैंने आप लोगों का ही सोचा तभी मना किया था। तो वीडियो को जरूर एंड तक देखो, एंड सबसे बड़ा थैंक्स तो आप ही को। आगे बात करते हैं यार, चलो वीडियो के साथ आगे बढ़ो। शेयर, सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट जरूर करना, बिकॉज हमारी थोड़ी रीच बढ़ाओ यार, वीडियोस की रीच बढ़ाओगे तभी और काम करने का मन करेगा यार, वीडियोस में व्यूज ही नहीं आ रहे यार, रीच बढ़ाओ प्लीज, कमेंट जरूर करना। ओके, सो दोस्तों, आपको पता होगा कि जो हमारे चैनल पे एक टाइम आया था जब हमने बहुत ज्यादा ग्रो किया, वो था ऑलमोस्ट मई या जून 2020 के बाद, ऑलमोस्ट हमने बड़े ज़्यादा सब्सक्राइबर्स गेन किए, तो उस टाइम पे बहुत ज़्यादा वीडियोस की फ्रिक्वेंसी भी थी एंड लैपटॉप्स पे ही हमारा चैनल पूरा फोकस था। तो हो सकता है कि कंपनी को लगा होगा कि यार दिस इज़ वन ऑफ दोज चैनल जिसको हमें लैपटॉप्स भेजना चाहिए। तो बेसिकली मुझे एक कंपनी की तरफ से ईमेल आया था, वो कंपनी जो मे भी इस कैंपेन को हैंडल कर रही थी, इंटेल और Asus की इस कैंपेन को, तो बड़े सारे क्रिएटर्स को ये लैपटॉप मिला है, सिर्फ मुझे नहीं मिला है, बट आई एम वन ऑफ द लकीएस्ट क्रिएटर आई वुड से। देखो, बिफोर आई स्टार्ट मैं आपको बता दूं कि जब हमने इसकी पहली वीडियो डाली थी तो उस पर बड़ा ज़्यादा प्यार आया आप लोगों का। सो अगेन थैंक यू फॉर योर सपोर्ट, थैंक यू फॉर योर लव, बिकॉज वो प्यार ऐसा था कि मेरे से ज़्यादा आप लोग खुश थे कि हमारे चैनल को, आप लोग लिख रहे थे कि हमारे चैनल को स्पॉन्सर मिलना स्टार्ट हो गया, तो दैट वॉज द वेरी हार्ट टचिंग थिंग। तो हुआ क्या बेसिकली दोस्तों, मुझे आई एक ईमेल, तो ईमेल को मैंने रीड आउट किया, उसमें लिखा था कि जेनेरिक टेकी आपका बहुत अच्छा चैनल है, काफ़ी अच्छी एंगेजमेंट है, तो हम आपको अप्रोच करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि आप हमारी इस कैंपेन का हिस्सा बनो, इस कैंपेन में आपको एक लैपटॉप फॉर फ्री मिलेगा विच इज़ Asus Rog Zephyrus Duo 15, जिसकी कॉस्ट अप टू $3,200 होगी, कोई भी वेरिएंट मिल सकता था। तो आपको उसको, आपको उस पर 3 वीडियोज बनाने हैं, ये उनकी तरफ से ईमेल में लिखा था, 3 वीडियोस बनानी है फॉर 3 मंथ्स एंड आप इसके लिए आगे बात कर सकते हो, मतलब कुछ ऐसा था कंटेंट। तो मैंने 3-4 दिन के बाद रिप्लाई किया, मैंने लिखा लेट्स प्रोसीड फर्दर, मुझे लगा पहले फेक है, तो बट धीरे धीरे जब बात हुई मुझे लगा नहीं दम है यार, तो चलते हैं आगे। तो 3-4 दिन 5 दिन 6 दिन चैट चली, उसके बाद जाके उन्होंने एक कॉन्ट्रैक्ट सेंड किया मुझे पूरा। हमने डिसाइड कर लिया था कि दिसंबर में मैं अनबॉक्सिंग एंड फर्स्ट इंप्रेशन करूंगा, और जनवरी में मैं गेमिंग रिव्यू डालूंगा, एंड फरवरी में मैं फुल रिव्यू डाल दूंगा लैपटॉप का। तो ये मैंने ही उनको सजेस्ट किया था, वो मान गए, और इंस्टाग्राम स्टोरीज एंड पोस्ट तो अलॉन्ग विद दिस रहेगी, तो यही उनकी कुछ एक्सपेक्टेशंस थी मेरे से। उसके बाद लैपटॉप मेरा था, लैपटॉप इज जस्ट कॉम्पनसेशन फॉर मी। तो उसके बाद जब सब कुछ डिसाइड हुआ, तो उनकी तरफ से कॉन्ट्रैक्ट आया, कॉन्ट्रैक्ट में 16 पेज थे, ट्रस्ट मी 16 पेज। तो पहले तो मुझे लगा यार कौन पढ़ेगा, फिर मैंने पढ़ा, मैंने अपने दोस्तों को भेजा, उन्होंने भी पढ़ा, उनको सब कुछ सही लगा। बट व्हेन आई वाज यू नो रीडिंग द कॉन्ट्रैक्ट, ध्यान से सुनना, यहाँ पे आपको लगेगा कि आपके भाई में जिगरा है यार, जिगरा। तो जब मैं कॉन्ट्रैक्ट को पढ़ रहा था, वहाँ पे एक लाइन लिखी थी कि अगर आप हमारी वीडियो बनाओगे ना, तो जब आप वीडियो को अपलोड करोगे तो 30 डेज तक आप किसी भी कॉम्पिटिटिव कंपनी की बात नहीं कर सकते। अब कॉम्पिटिटिव कंपनी मतलब Asus के कॉम्पिटिशन में HP, Acer सारे आ गए, इंटेल के कॉम्पिटिशन में AMD आ गया। तो मुझे लगा यार एक लैपटॉप के पीछे मैं अपना चैनल पूरा खराब करूंगा, अपने व्यूअर्स के साथ धोखा करने वाली बात है, तो लिटरली मैंने कॉन्ट्रैक्ट को डिक्लाइन कर दिया। डिजिटल था तो डिजिटली मैंने डिक्लाइन कर दिया। उनका मुझे दोबारा ईमेल आया कि आपने डिक्लाइन क्यों किया, तो मैंने उनको कुछ रीजंस बताए, तो उन्होंने कहा आप फ्लैग कर दो रीजंस को एंड देन विल नेगोशिएट। तो थोड़े दिन बाद मुझे रिप्लाई आया, उन्होंने नेगोशिएट किया, उस 30 दिन को 7 दिन कर दिया। तो मुझे लगा सही है यार, 30 दिन से सीधा 7 दिन, मुझे लगा था शायद 20 दिन करेंगे तो मैं दोबारा लड़ूंगा, बट उन्होंने सीधा 7 दिन कर दिया, मैंने कॉन्ट्रैक्ट उसके बाद साइन कर दिया पढ़ के प्रॉपर। 16 पेजेस दोबारा पढ़े, देखा जो जो चेंजेस मैंने एक्सपेक्ट किए थे वो हुए थे। कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के बाद कोई हार्डली हफ्ते के बाद मेरे पास ये लैपटॉप आया, एंड इतना बड़ा पार्सल था, एंड माई मॉम वॉज एक्चुअली सरप्राइज कि कोई फ्री में क्यों देगा तुझे, तू क्या कर रहा है ऐसा। तो मैंने उनको समझाया कि मैं यूट्यूब करता हूँ यार, ऐसे थोड़ी अंदर बैठ के बोलता रहता हूँ, किससे बातें कर रहा हूँ, कैमरे से थोड़ी बातें कर रहा हूँ, वीडियो बना के कहीं डाल रहा हूँ, लोग प्यार दे रहे हैं तभी तो ये रिव्यू यूनिट आया। तो इवन शी वॉज सरप्राइज टू नो दिस, बट वेल हमारे पास लैपटॉप आया, हमने वीडियोस करी, ये जस्ट पॉसिबल हुआ जस्ट बिकॉज ऑफ यू, बिकॉज यू गाइज वर सपोर्टिंग मी सिंस लास्ट ईयर, एंड आप लोग मतलब मेरे को प्रोडक्ट मिलने की
खुशी मुझे तो थी एंड आपको मेरे से भी ज़्यादा खुशी थी, तो आपकी खुशी में मेरी खुशी में आपकी खुशी, खुशी में खुशी मिल गई, तो फिर हमारे पास ये प्रोडक्ट आ गया। दैट्स अ वेरी बैड जोक, बहुत गलत लाइन वो क्या बोला यार मैंने, छोड़ो यार। तो मतलब ऐसे हमें ये प्रोडक्ट मिला एंड ऐसे हम यू नो इस लैपटॉप के मालिक बन गए हैं। एंड मतलब ये लैपटॉप ना एक एक्नॉलेजमेंट था ऊपर वाले की तरफ से कि देख भाई अगर तुम मेहनत करते हो तो किसी ना किसी टाइम पे तुम्हें उसका फल ज़रूर मिलता है। मैं ये नहीं कहता कि आई एम अ वेरी सक्सेसफुल यूट्यूबर, है ना, ये तो कोई भी नहीं कहेगा, जो बड़े बड़े यूट्यूबर हैं वो भी नहीं कहेंगे, बट मैं ये ज़रूर कहूँगा कि जो मैं 2.5 साल से लगा हूँ बट उसका एक छोटा सा एक्नॉलेजमेंट ऊपर वाले ने दिया, तो ये ना ये चीज़ आपको काम करने की मोटिवेशन और ज़्यादा देती है कि नहीं आप जो कर रहे हो वो सही कर रहे हो, मे बी लोग आपको देख रहे हैं तो कुछ तो वैल्यू आप ऐड कर रहे हो, तो कुछ तो वैल्यू मैंने ऐड करी ही होगी, इसीलिए कंपनी ने भी मुझे ये प्रोडक्ट देने का सोचा। तो बस ये एक्नॉलेजमेंट है, रोज जब सुबह उठता हूँ उसको देखता हूँ तो एक अलग सी एनर्जी, एक अलग सा एंथुसियाज्म बॉडी में आता है एंड वो मुझे मेरे पूरे मतलब काम करने के तरीके को बदल देता है, बिकॉज इट गिव्स मी इंस्पिरेशन, इट इज अ सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन फॉर मी, इट्स नॉट जस्ट अ लैपटॉप, इट्स लव। एंड आप मानोगे इससे पहले मतलब मेरी एक्चुअली इतना स्टैंडर्ड नहीं था, आप लोग कहोगे कि यूट्यूबर है इसके पास बहुत पैसा होगा, ऐसा नहीं होता। मैं जो एक्चुअल लैपटॉप यूज़ कर रहा था 50,000 का लैपटॉप भी नहीं था, 47,000 का मैंने लिया था, कितनी बेकार परफॉर्मेंस थी उसकी आप सबको पता ही है। तो ये लैपटॉप मिलना एक काइंड ऑफ ब्लेसिंग ही है। बस यही थी कुछ स्टोरी जैसे हमें ये लैपटॉप मिला, आई होप आपको इंस्पिरेशनल लगी होगी एंड आपको अच्छी लगी होगी एंड आप भी खुश होंगे। अगर आप खुश हो तो कमेंट कीजिए वीडियो में, इस वीडियो की रीच को बढ़ाइए एंड मैं चाहता हूँ कि ये एक्चुअली वीडियो थोड़ा सा तो पॉपुलर हो एंड लोग देखें इस वीडियो को, तो कमेंट करो, लाइक करो, शेयर करो। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स अ लॉट।